इस पूरे मामले की, मतलब क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे अधिकारी समीर वानखेड़े, उन्हें लेकर बवाल मचा हुआ है। और इस पर एनसीबी के जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेश्वर सिंह, उनसे बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता। ज्ञानेश्वर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सर। सर ज्ञानेश्वर सर, बस इतना, क्या मीटिंग खत्म हो गई है सर? सर बता दीजिए सर। सर सर इतना बता, सर इतना बता दीजिए क्या मीटिंग ओवर हो गई है? सर अभी अभी सर वानखेड़े साहब पहुंचे हैं। सर बस रोज मीटिंग करते हैं, विभिन्न विषयों पे होती है। अब आप पता नहीं किस मीटिंग की बात कर रहे हैं। अभी अभी पहुंचे हैं। अवेयरनेस वीक है, वीक पूरे वीक चलेगा। मैंने किसी को नहीं बुलाया, प्लीज। मैंने अपनी प्रोब में किसी को नहीं बुलाया। कल आपको जाना है प्रोब के लिए। आज नहीं जा रहा हूँ, आज दिल्ली हूँ, बस इतना बताऊंगा। तो सर समीर वानखेड़े जी यहाँ पहुंच गए, क्या उनसे यहाँ भी पूछताछ हो सकती है, उनसे उनके बयान लिए जा सकते? मुझे जब पूछना होगा मैं उनको बुलाऊंगा। प्लीज प्लीज लेट मी हैव माय अदर ऑफिशियल वर्क्स आल्सो। ठीक है हम जब बुलाएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हमने किसी को नहीं बुलाया, जल्दी जाएंगे। आज नहीं जा रहा हूँ, चलो यार। धन्यवाद धन्यवाद। ज्ञानेश्वर सिंह, विजिलेंस चीफ एनसीबी के, जिनका कहना है कि जल्द ही वो मुंबई के लिए निकलेंगे। फिलहाल समीर वानखेड़े पहुंचे हैं, उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई है, ना ही उनके बयान दर्ज हुए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ज्ञानेश्वर सिंह है वो एनसीबी दफ्तर से निकल गए हैं। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।